बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सबके लिए एक वीडियो बनाता चलूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर हमें बताएं कि गाल कॉइन की जो प्राइस है वो क्या लॉन्चिंग प्राइस होगी और वो कॉइन कब लॉन्च होने वाला है। तो इसी टॉपिक पे आज हमारी वीडियो है। चंद ही देर में गाल कॉइन GAL गैलेक्सी कॉइन जो है वो लॉन्च होने वाला है, और उसकी लॉन्चिंग प्राइस और आपका जितना भी वो कॉइन रिडीम हुआ है आप उसको कैसे रिडीम कर सकते हैं, जितना भी कॉइन आपको मिला है। आज की वीडियो में हम तमाम गैलेक्सी टोकन पे बात करेंगे, GAL कॉइन पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बाइनांस को ओपन कर लेते हैं। बाइनांस को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो BTC को भी कल अच्छा खासा पंप आया था, 5 से 7% इंक्रीज हुआ था। तो सेकंड हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। होम पे आने के बाद सबसे पहले आपको मैं दिखाता चलूँ कि जो मैंने पहले रिडीम किए थे वो मैं आपको दिखा दूँ। वॉलेट में आएंगे, स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये सबसे लास्ट पे 0.05 आप चेक कर सकते हैं, ये पड़े हैं 0.057072। लेकिन इनकी प्राइस आप देख सकते हैं कि ज़ीरो आ रही है, क्योंकि ये कॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं GAL USDT 3 घंटे 10 मिनट और 29 सेकंड रह गए हैं, 3 घंटे और 10 मिनट इसको रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे अभी स्पॉट वॉलेट में नहीं है और आप उसका टाइम पीरियड चेक करना चाह रहे हैं तो ट्रेड में आएँ, यहाँ पे आप GAL कॉइन लिखें, ये आपके सामने आ जाएगा। GAL BF2 USDT क्लिक करेंगे तो ये उसका टाइम पीरियड आपके सामने शो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने जो BNB पैन केक कॉइन और BUSD डॉलर आपने स्टे किए थे, उससे आपको जितना भी GAL कॉइन गैलेक्सी टोकन मिला है वो आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, अपने स्पॉट वॉलेट में ला सकते हैं। अगेन होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद मोर पे आएंगे। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे होगा लॉन्च पैड पोलका डॉट ऑक्शन के साथ, लॉन्च पैड पे क्लिक करेंगे। लॉन्च पैड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ रहा होगा लॉन्च पूल। GAL कॉइन की फार्मिंग चल रही है, ये लिखा हुआ है। टाइम फार्मिंग जो है इसकी रिमेनिंग अभी 23 डेज़ है। इसका ये मतलब होता है कि 23 डेज़ अभी आपको ये और कॉइन मिल सकता है BNB के बिहाफ पे, या अगर आपने BUSD लगाया हुआ है, केक पूल लगाया हुआ है आपने, और BNB सॉरी केक पूल कह रहा हूँ, केक कॉइन लगाया है या BNB कॉइन लगाया है या आपने BUSD कॉइन लगाया है, जो भी कॉइन लगाया है उसके बिहाफ पे अगर आप अभी और इन कॉइन को अर्न करना चाह रहे हैं तो वो आपको भी मिलेगा। अब बात करते हैं, ये आपके सामने पेंडिंग हार्वेस्ट आ रहा है, ये देख सकते हैं आपके 0.0374 माई रिवार्ड है, और मेरा रिवार्ड ये आ रहा है माई रिवार्ड्स के अंदर, ठीक है। माई स्टेक फंड जो है BNB मैंने स्टेक किए थे, मैंने BUSD और केक कॉइन नहीं स्टेक किया था, मैंने सिर्फ BNB एक पूरा लगाया था। जितना मैं रिवार्ड रिसीव कर चुका हूँ वो ये लिखा आ रहा है 0.057 प्लस 0.0374 हो जाएगा। हार्वेस्ट आल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे, आपने BUSD में लगाया हुआ, इसको ओपन करें और लास्ट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका अनक्लेम्ड रिवार्ड आ रहा होगा, ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लेम रिवार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे होगा अगर आपने BUSD स्टेक किए हुए हैं तो यहाँ पे आएगा। अगर आपने पैनकेक स्वैप के केक कॉइन्स यहाँ पे स्टेक किए हुए हैं
तो आपका GAL कॉइन जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप उसको क्लेम कर सकती हैं। और अगर आपने मेरी तरह BNB कॉइन को स्टेक किया हुआ है तो BNB पूल ओपन करेंगे, अगेन लास्ट पे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि BNB मेरे स्टेक जो है 1.0017 है, मतलब एक पूरा BNB मेरा स्टेक है। अगर आप इसको रिडीम करना चाह रहे हैं तो ये रिडीम लिखा आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये BNB आपका रिडीम हो जाएगा और आपको कल से मिलना, मतलब अभी से मिलना जो है GAL कॉइन वो बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी इसको ये देख सकते हैं कि इसकी टाइम फार्मिंग पीरियड आ रहा अभी 23 डेज का, अगर आप इसको 23 डेज और इसकी रिसीविंग लेना चाहते हैं पूल से BUSD BNB या केक पूल के रिवार्ड बिहाफ पे, तो आप इसको स्टेक रहने दें और आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। अभी आप देख सकते हैं टोटल रिवार्ड रिसीव्ड मेरा ये आ रहा है 0.05 और अनक्लेम्ड रिवार्ड आ रहा है 0.03। अब मैं आपके सामने क्लेम रिवार्ड पे क्लिक करूँगा। हार्वेस्ट कंप्लीट, रिवार्ड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू योर स्पोर्ट वॉलेट, गॉट इट करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि 0.0945 हो गया, अभी यहाँ पे 0.05 था, वो यहाँ वाला 0.03 ऐड हुआ है और कंप्लीट मेरा 0.09 हो गया। और अगेन इसकी फार्मिंग हो रही है जैसे ही टाइम पीरियड के साथ साथ, यहाँ पे अगेन अनक्लेम्ड रिवार्ड मेरा कॉइन आ जाएगा GAL, उसको मैं अगेन ओपन करूँगा, क्लेम करूँगा तो अगेन मेरा स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। ये आप टाइम चेक कर सकते हैं, ये टाइम चल रहा है 14 मिनट 47 46 45। ये मतलब कह लें कि आप हर एक घंटे बाद रिवार्ड आपको मिलता है थोड़ा सा, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं हर आफ्टर एवरी आवर। तो अब हम चलते हैं एक दफ़ा स्पॉट वॉलेट में, मैं आपको दिखा दूं कि अगेन ये आप देख लें GAL प्रोजेक्ट गैलेक्सी 0.09451613। अब ये जितना भी आप सबके पास, किसी के पास एक आया है, 0.1 आया है या 0.001 आया है, उसकी अमाउंट आप अगर चेक करना चाहें कि आपके पास उसकी अमाउंट कितनी है, तो आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, GAL कॉइन पे आएंगे, आफ्टर 3 आवर्स यहाँ पे इसका रेट होगा। अगर आप उसको सेल करना चाहें सेल करें, और परचेज़ करना चाहें तो आप यहाँ से और परचेज़ कर सकते हैं। ये इसका पूरा मेथड है परचेजिंग का, अगर आप परचेज़ करना चाहें। अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया अभी 23 डेज रिमेनिंग है, आप स्टेक करके अभी भी अर्न कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक और चीज़, आफ्टर दिस ईद इंशाल्लाह हम फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर भी मूव ऑन करेंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग हम इंशाल्लाह इस ईद के बाद फौरी वीकेंड पे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट मंडे से हम उसकी बाकायदा क्लासेस और लाइव आपको कॉइन्स का भी बताया करेंगे कि जो कॉइन परचेज कर रहे हैं, और ताकि आप उनको अच्छे से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।